जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं और मैम आपके सामने हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज के साथ। और वो चैलेंज क्या है आपको सामने दिख ही रहा होगा, हिस्ट्री वर्सेस इंग्लिश। तो क्या होने वाला है इस चैलेंज के अंदर, मैं मैम से सीडीएस लेवल के सीडीएस एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, एंड वाइस वर्सा मैम अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मेरे से पूछने वाली हैं। तो हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चंस हम आंसर कर पाते हैं या नहीं। तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आप ये जान सके कि इस चैलेंज का विनर कौन। और फिर आपने हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि इस चैलेंज का विनर कौन रहा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें। मैम रेडी करते हैं? यस रेडी। तो पहला क्वेश्चन है मैम के लिए हिस्ट्री का। ओके चलिए। इन 1920 सेशन कांग्रेस पासेस रेजोल्यूशन इन द फेवर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, द सेशन वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो बताइए कहाँ पे हुआ था सेशन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। थोड़ी सी मेरी हिस्ट्री मैम कमजोर सी थी, बट चलो लेट मी गेस, आई थिंक नागपुर। वाओ नाइस गेस। तो कांग्रेस का जो नॉन कॉर्पोरेशन आपका सेशन है वो नागपुर सेशन में आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का है। ओके सो मैम ये इडियम फ्रेजेस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्चुअली इतना है आपके लिए, लिली लिवर्ड। ये लिली लिवर्ड क्या मीन करता है आपने मुझे बताना है। लिली लिवर्ड ऐसे देख के तो समझ आ रहा है ये होगा आपका लिली लिवर्ड, नॉट ब्रेव। नॉट ब्रेव, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल मैम, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनी पर्सन हु कैन बी कॉल्ड अ कावर्ड, डरपोक इंसान, उसको हम लिली लिवर्ड भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड टू, कब हुआ था भाई रॉलेट एक्ट पास, मतलब क्यों हुआ था रॉलेट एक्ट। मैम कुछ आर्म्स एंड एम्यूनेशन से रिलेटेड था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन टू, रेवोल्यूशनरी और नेशनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए, कर्टेल करने के लिए। पक्का? जहां तक मेरे हिसाब से लगता है। सोच लो एक बार फिर से। मेरे हिसाब से टू होना चाहिए, बाकी बच्चे बिल्कुल पढ़े हैं उनको पता होगा कि आंसर हमारा टू है या नहीं है। अरे बिल्कुल सही है, टू। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था, जितनी भी आपकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी उनको रोकने के लिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके सेकंड क्वेश्चन आपके लिए इडियम्स का। अगेन क्वेश्चन है हमारा लाफिंग स्टॉक, क्या होता है लाफिंग स्टॉक। ये तो मेरे को कुछ अपना जैसा ही लग रहा है। Someone who does something very stupid and is made fun of. ये तो हमारा हमेशा चलता रहता है। Absolutely correct ma'am. कि any person who does anything stupid और लोग फिर उस पे जो है वो हास्य का पात्र बन जाता है, that person is called a laughing stock. Next. What was the main reason behind the launching of Khilafat movement? Ma'am, Khilafat, Khilafa, match kuch kar raha hai, iska bhi bimak kar do aap. To impose favorable treaty of Khalifa. Bilkul sahi baat hai, Khalifas ki post ko hata diya gaya tha, isliye shuru hua tha. Ma'am, achhi history aapke bhi hai. पढ़ा सकते हो। ठीक है चलिए। ओके क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ तक का ही है, ठीक है ना। आपने ये नोट 5 में खोला है, मेरी पीपीटी की सेटिंग हिल गई है। एनी हाउ क्वेश्चन है, इट इज ऑल ग्रीक टू मी। इट इज ऑल ग्रीक टू मी, इज इंग्लिश ऑल ग्रीक टू यू। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको। इंग्लिश, ग्रीक, बहुत सारी लैंग्वेजेस होगी मैम। अरे ये वो एक हिंदी वाला फेज है, मुझे याद आ रहा है। क्या? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली, एनीथिंग विच इज ग्रीक टू यू इज एनीथिंग जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपके लिए एक नई लैंग्वेज है या एक नई फील्ड हो सकती है। सो नेक्स्ट टाइम आप कुछ नया सीखते हैं आप बोल सकते हो इट इज ग्रीक टू मी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। मैम वो दो भाई थे, मैंने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा था स्कूल में। अब वो दोनों भाई कौन थे? ओके ये मैम, ये शौकत अली और मोहम्मद अली, क्योंकि मैम अली जिन्ना नहीं हो सकता। तो भाई अली ब्रदर्स है तो अली जिन्ना नहीं हो सकता। वाह नाइस, अली जिन्ना नहीं हो सकता तो अली क्या है, अली ब्रदर्स है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था खिलाफत मूवमेंट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेइंग डक्स एंड ट्रिक्स। ये तो पढ़ा है मैंने, डक्स एंड ट्रिक्स, मतलब मुझे पता है। आपने सीडीएस की तैयारी करी होगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पढ़ा होगा।
ये मनी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना exactly. पैसे को बाहर आए एग्जैक्टली ये जो स्क्वैंडर वर्ड है बेटा यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है कि स्क्वैंडर करना यानी कि पैसे को वेस्ट करना ऐसे यूज करना जैसे उसका कोई वैल्यू नहीं है. सो प्लेइंग ड्रग्स एंड ड्रेक्स हमेशा मनी से ही रिलेटेड आपका ईडियम होने वाला है. नेक्स्ट गुलामगिरी 19th सेंचुरी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माउथपीस ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट. Which one of the following was the author of this book? गुलामगिरी के author कौन थे? मैम मुझे तो एक ही बुक याद है महात्मा गांधी की वो माय समथिंग विद ट्रुथ माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ हाँ या है ना. उसके अलावा बी आर अम्बेडकर जी तो भारत के संविधान से रिलेटेड है. हाँ तो मतलब क्या बुक नहीं लिख सकते बी और डी में से कोई एक हाँ बुक लिख सकते हैं तो ज्योतिराव फूले की पैर यार आप थोड़ी सी हेल्प करवा दो मैम तो ऑप्शन डी मार्क कर दो. डी इसका करेक्ट आंसर क्या है बताओ. डी इसका गलत है ज्योतिबा फूले. इन्होंने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ये बुक लिखी है गुलामगिरी. ठीक है चलिए नेक्स्ट. ओके मैम फाइनल एक ईडियम का क्वेश्चन है. आपका क्वेश्चन है टेकिंग अप द कडल्स. अगर आप में से भी किसी को आता है तो फटाफट से जो है आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ईडियम्स के करेक्ट हुए हैं. टेकिंग अप द कडल मतलब होता है किसी को डिस्टर्ब करना. नहीं टेकिंग अप द कडल्स होता है किसी को सपोर्ट करना. ऑप्शन नंबर बी बेसिकली कडल से याद रखना किसी को कडल करना यानी कि सपोर्ट करना. ऑप्शन नंबर यस एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. अगर आपको भी नहीं आता था तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा. हाँ जी कर लेना भाई नोट. मुझे नहीं आ रहा तो आपको भी नहीं आ रहा होगा. न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वॉज इनिशिएटेड अंडर द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल. पैरामाउंटेंसी थी क्या मैम मेरे को तो सिर्फ इंग्लिश में पता है पैरामाउंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है मतलब द ब्रिटिश. आपका बेस बेसिकली होगा कि शुरू हो रहा है यहाँ से ब्रिटिशर्स को सुप्रीम बनाने का. ओके तो लॉर्ड कर्जन मार्क कर देते हैं. गलत है भाई लॉर्ड कर्जन नहीं है इसका आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग. तो हेस्टिंग ने शुरू करी थी इस पॉलिसी को. पैरामाउंटेंसी की जो पॉलिसी थी वो हेस्टिंग के द्वारा शुरू की गई थी. नेक्स्ट. ओके मैम नाउ यू हैव टू टेल मी द सिनोनिम्स. बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स आपके सीडीएस एग्जाम के लिए होते हैं और फर्स्ट वर्ड है मर्क्यूरियल. ऑप्शन ए वॉलेटाइल बी प्लेजेंट एग्रीबल एंड मर्सीफुल. ठीक है जी बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी है मैम ये और ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी ना किसी फॉर्म में दोबारा से एग्जाम में पूछ लिया जाता है. मर्क्यूरियल टेम्परामेंट वोल्टाइल. हाँ जी ठीक है मैम. ऑप्शन नंबर ए फॉर ऑल दोज हु डू नॉट नो मर्क्यूरियल का मतलब होता है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना. ठीक है तो उसका टेम्परामेंट उसकी नेचर कैसे थी जो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती थी कभी भी गुस्सा आ जाना कभी भी शांत हो जाना. तो वोलेटाइल वर्ड जो है वो इसका करेक्ट सिनोनिम बन जाएगा इस केस में. द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉरेन स्टेट हैज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस. ओके झांसी में तो मैम वो हुआ था ना झांसी की रानी ने जिसके लिए लड़ाई करी थी वो तो एनेक्स किया गया था है ना. आई थिंक ऑप्शन डी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सतारा बताओ सतारा ही है इसका भाई. अवध है इसका आंसर. ठीक है बाकी सब जगह पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. हाँ एग्जैक्टली वारिस नहीं थे उनकी जो बेसिकली उनके एरिया को कैप्चर कर लिया गया था सिर्फ अवध था जहाँ पर वाजिद अली शाह वो बोला था कि ये मिस गवर्नेंस है करके वहाँ पे मिस गवर्नेंस के केस में उसको जो है उसकी पावर को रिमूव कर लिया था. ठीक है नेक्स्ट. हाँ जी अगला क्वेश्चन है मैम हमारा ब्रेविटी. हिज स्पीचेस वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी. सिनोनियम है ये. हाँ जी पांच idioms थे अब पांच synonyms हैं और आगे पांच antonyms हैं. Okay. Bravery. His speech were models of bravery. Models of bravery. Lengthiness तो नहीं हो सकता. अब बाकी मुझे conscious का मतलब पता है exemplary का मतलब पता है permanence पता नहीं मुझे bravery का मतलब नहीं पता तुक्का मारूंगी मैं. सी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है मैम. कंसीजन वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड कंसाइज और कंसाइज का मतलब होता है छोटा होना ब्रीफ होना. तो ब्रेविटी मैम कुछ नहीं होता शॉर्ट इन लेंथ होता है. तो इसीलिए हम ऑप्शन बी को जो है अपना ऑप्ट करेंगे. एंटोनिम मार्क करना होता तो ए कर सकते थे सिनोनिम मार्क किया तो आपने सी बोला था. मैंने एंटोनियम सुना था ठीक मेरी गलती नहीं है. चलो मैम लिखा हुआ भी था देखा नहीं ना आंखों में चश्मा. चलो अगला क्वेश्चन. ओके द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वाज गिवन
मैम इतने मुश्किल वर्ड्स ले आए हो, इतने मुश्किल नाम ले आए हो। अरे कुछ नहीं है, बच्चों को तो आराम से आते हैं क्वेश्चन। मुस्लिम्स के लिए मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स मान सबसे पहला आया होगा, मान लेते हैं सबसे पहले। बड़े अच्छे तुक्के लगते हैं इनके, इनको पेपर में उठा देना चाहिए, मैं बता रही हूँ। सच्ची मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, हाँ बिल्कुल, तुक्का किंग हो आप। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 किसको दिया था? मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, पहली बार आपका सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। चलिए, काश मेरे को अपने टाइम पे इतने अच्छे तुक्के लग गए होते। चलिए अगला क्वेश्चन, अगेन सिनोनिम्स का, रेप्रिमांड इजी सा है इसके, लेकिन लगभग लगभग 5 से 6 सिनोनिम्स मैं क्लास में करा चुकी हूँ और हर एक सिनोनिम पेपर में आता है। और मैं, पता है सबसे बड़ी बात, मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं आपकी क्लास में नहीं बैठी, बट आई विल ट्राई। द ऑफिसर वॉज रेप्रीमेंडेड बाई द कोर्ट। अरे ऑफिसर को रेप्रीमेंड कर रही है कोर्ट, तो डिसलाइक करेगी नहीं, प्रेस करेगी नहीं, अप्रिशिएट करेगी नहीं, तो एडमोनिस्ट। सही है। वैसे भी मैम अगर नहीं भी आता तो यहाँ पे ये सेंटेंस इसीलिए दिया जाता है, सो दैट यू कैन हेल्प, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द सेंटेंस, राइट। और ये देखो वो कोर्ट में केस को डिले कर रहा है, तो उसके लिए डांट ही पड़ेगी, डांट पड़ेगी तो एडमोनिश किया जाएगा। इसके 4-5 सिनोनिम्स तुम्हें अपने पता है, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, रेप्रीमांड के जितने भी सिनोनिम्स हमने क्लास में किए हैं बता देना भाई, बता देना। चलो अगला क्वेश्चन, विच वन अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लॉर्ड कर्जन? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये भी तुक्का मारा है, ये भी तुक्का मारा है। हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में इसने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को डिवाइड कर दिया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। काश मैम मेरी हिस्ट्री सच में इतनी अच्छी होती। मैम इतने सही आंसर्स मैं दे रही हूँ ना, तो ऐसे लगेगा कि मैच फिक्स्ड है। ना ना, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। मैं बताती हूँ, इनकी मम्मी सोशल साइंस की टीचर है और ये बेसिकली बहुत अपनी मम्मी का काम करती है सोशल साइंस का, तो ही ना आ रहा है, वरना चांस ही नहीं था। और मैं, मेरे को अगर आ रहा है ना, यकीन मानो मेरी खुद की मेहनत है। चलो, तो मेरे को इनहेरिटेंस में मिला है, पता लग गया। चलो अगला क्वेश्चन, इनहेरिटेंस इनहेरेंट ही वर्ड है, चलिए इनबिल्ट। हाँ जी बिल्कुल, द वर्ड इनहेरेंट का मतलब होता है एनीथिंग जो आपके पास पहले से, और पहले से होगा तो वो चीज इनबिल्ट होगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट सिनोनिम है, बिल्कुल। At the time of the establishment of Asiatic Society in Kolkata, who was the Governor General of Bengal? ये इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे मैम? लॉर्ड बेनेटिंक। हाँ, लॉर्ड बेनेटिंक। बट आप गलत हो, इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग था जिस समय एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी बंगाल में। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में आंसर करके कि एशियाटिक सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुई थी बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइनल सिनोनिम्स है मैम, इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इंप्लीमेंट द रूल। ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी, ऑब्लिगेशन जो चीज बन जाती है वो तो मैंडेटरी हो ही जाती है, तो ऑप्शन ए कंपलसरी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मैम, डन, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है मुझे इंग्लिश पढ़ानी भी शुरू कर देना मैम, मैं नौकरी कहां जाऊं मैं, कतरे में। ऑन 31 दिसंबर 1929 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन वाज प्रोक्लेम्ड अ पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज की डिमांड कहाँ पे की गई थी? मेरे को पता है, ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम से याद है। बताओ। लाहौर सेशन में हुआ था पूर्ण स्वराज, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम से। लाहौर सेशन में कौन सी रिवर के बैंक में हुआ था? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इतना आप लोग बताओ कि कौन से रिवर के बैंक में जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था भारत का, आप लोग बताओगे, ये क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, ठीक है। चलिए अब एंटोनिम्स हम ध्यान से देखना, वो बाय डिफॉल्ट होता है कि सिनोनिम्स ही दिमाग में चल रहे होते हैं हमारे। लेट व्हाट वी लैक इन द करंट टाइम्स इज कंपैशन, एथी तो हो नहीं सकता, केयरफुलनेस भी हो नहीं सकती, इंडिफरेंस। हां जी मैम बिल्कुल, कंपैशन, क्योंकि मैम सिंपथी के लिए यूज करते हैं, तो सिंपथी का एग्जैक्ट ऑपोजिट आपका होता है एपथी। एपथी यानी कि इंडिफरेंस, यानी कि कोई भी आप एज सच अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते। लेकिन अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार वर्ड्स, एम्पथी, सिंपथी, एपथी, एक वो बता सकती हूं, सिनोनिम। हां बताओ, स्टोइक, राइट। सो ऑल ऑफ दोज फोर वर्ड्स जो मैंने अभी रिपीट करे, एम्पथी, सिंपथी, एपथी और एंटीपथी, चारों वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चारों के मीनिंग्स आपको क्लियरली क्लासेस में डिस्कस किए गए हैं, तो अच्छे से करके जाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वॉज, सबसे पहली बार महात्मा गांधी कहाँ पे अपीयर हुए थे? आई थिंक चंपारण। ऐसा ही आपको भी लग रहा होगा चंपारण, लेकिन यहाँ पे पूछा था पब्लिक अपीयरेंस सबसे पहले, तो वो हुई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1916 में, फरवरी में इसका इनॉग्यूरेशन था। बीएचयू का मदन मोहन मालवीय ने इसे बनाया था। ठीक है, तो उस समय गांधी जी पहली बार यहाँ पे अपेयर हुए थे, तो इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है भाई, हिस्ट्री बहुत वास्ट है। सी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ पीपल हु हैवंट बीन टू कॉलेज। वर्ड सिर्फ डिसडेनफुल है, ऑप्शंस में कंटेम्पशियस, डिसमिसिव, स्कॉर्नफुल एंड रिस्पेक्टफुल। ये एंटोनियम है ना, रुक जाओ। हाँ जी, तो यार देखो इसका तो मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, रिस्पेक्टफुल होगा एज आई थिंक। हाँ, वो डिसडेनफुल था, रिस्पेक्टफुल यही आंसर होना चाहिए था। आइदर वे, वैसे भी आप कई बार ऐसे चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं, बट डिसडेनफुल का एक्चुअल मीनिंग होता है कि आप उस चीज को नापसंद करते हैं, तो कंटेम्प्ट दिखाना भी नापसंद करना होता है, स्कॉर्न करना भी किसी चीज को देखकर अपनी नापसंद दिखाना होता है, डिसमिस करना अगेन उसको रिजेक्ट करना है, तो एक ही वर्ड हमारे पास बचता है और वो पॉजिटिव है। नेगेटिव का पॉजिटिव ही एंटोनिम होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। मैंने तो मैम ये कभी पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, ये तो मैंने हिस्ट्री, ये वाली हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी थी। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड है एक्चुअली, ये शेड्यूल कास्ट की रिस्पेक्ट के लिए आया था मूवमेंट, तो बी आर अम्बेडकर ने ही काफी किया था शेड्यूल कास्ट के लिए। वेरी नाइस, वेरी गुड, बट इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है ईवी रामास्वामी नायकर। मुझे लग रहा था ये अलग सा नाम है, मुझे लग रहा था इनको पेरियार भी बोलते हैं। अच्छा, गुलामगिरी, वो जो गुलामगिरी के साथ ही जो आपको कंफ्यूज कर रहा था ऑप्शन, ठीक है, गुलामगिरी तो आपका ज्योतिबा फूले की है, बट इन्हीं को पेरियार बोलते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और अब आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द टीचर वाज अ वेरी प्रोफाउंड मैन। वाज प्रोफाउंड, प्रोफाउंड देखो, प्रोफाउंड मतलब होता है सिंसियर, एजुडाइट मतलब स्कॉलरी, पंडित टाइप जो हो जाएगा, सुपरफिशियल मैं बहुत यूज करती हूँ इस टर्म को, सुपरफिशियल मतलब जो ऊपर ही ऊपर हो, टेंजिबल। एग्जैक्टली, प्रोफाउंड मैंने इनको याद भी ऐसे ही कराया कि जिसको ढूंढने के लिए तुम्हें प्रो बनना पड़ेगा, और प्रो बनने के लिए तुम्हें डीपली जाना पड़ेगा, जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी अगर अपना पेपर क्लियर करना है, तो सुपरफिशियल से काम नहीं चलेगा, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गो इन द डेप्थ ऑफ दैट थिंग। वेरी गुड, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द पूना सार्वजनिक सभा एस्टैब्लिश। मुझे पता है सभी आप तो कई बार हो गए। हाँ, 76 की 69, अक्कड़ बक्कड़ कर लो। 76 मार्क कर लो, है तो क्या गलत, ज्यादा नजर लग गई इनको, है तो ना, ना? 1870 में एम जी राणा डे के द्वारा ये शुरू बनाई गई थी आपकी पूना सार्वजनिक सभा, 1870s का करेक्ट आंसर है। ओके, डन। ओके जी, वल्नरेबल वर्ड है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी हेल्प सेंटेंस से ले सकते हो आप। नहीं, मुझे वल्नरेबल पता है, वल्नरेबल है बहुत ही, लाइक इसकी कंडीशन बहुत वल्नरेबल है कहते हैं ना, मतलब कमजोर। हां भाई, रुक रुक जाओ, अब मेन क्या ये है, क्या एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है। देखो, हेल्पलेस हो नहीं सकता, डिफेंसलेस हो नहीं सकता, इम्परवियस, सही है ऑप्शन नंबर बी, इम्परवियस। ध्यान से देखिए, इम्पेरियस है, इम्पेरियस रूड होता है, इम्परवियस स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? तो अगर वल्नरेबल इंसान वीक होगा या डिफेंसलेस होगा, तो उसके उल्टा जो भी होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उसको कोई हरा नहीं पाएगा या उसको कोई वीक या ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसका क्या बताया, इम्पेरियस मतलब रूड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओ माय गॉड, ऑर्डर चेंज हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ  1773। अब मैं ये अलग सा नाम लूंगी, ये एल्फिनस्टोन। ये तो बच्चों ने भी नहीं सुना है, ये तो बच्चों ने भी नहीं सुना है भाई, आपको पता है, मैंने वॉरेन हेस्टिंग्स, आपको पता है मैंने ये नाम कहाँ सुना है? अगर कोई बॉम्बे से हमें फॉलो करता होगा तो ये एक मेट्रो, ये लोकल स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन का नाम है, मैंने वहां पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या है, आंसर भी यही हो जाएगा। थोड़ा सा रिलेट करा मैंने, कोई सेंस है इस बात का, बताओ। चलो, इसका सेंस ये है कि इसका करेक्ट आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। चलिए, तो अभी आपका क्वेश्चन बचा है। हाँ जी, फाइनल क्वेश्चन इज, अबोमिनेबल लेडी कैसी लेडी होगी श्रेया? श्रेया अच्छी लेडी है,
नहीं मैम ये क्या है, एंटोनिम्स है, फाइनल एंटोनिम्स ही तो कर रहे हैं, शुरू में हमने सिनोनिम्स करे, अब एंटोनिम्स है। देखो मुझे ना इसमें से एबोरेंट का मतलब पता है और रिपग्नेंट मिटता है, ये दोनों नेगेटिव सेंस जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। रेप्यूटेबल मतलब होता है रिस्पेक्टेड, तो रेप्यूटेबल होगी, रिस्पेक्टेड होगी, वो अच्छी होगी। करेक्ट आंसर मैम इसका है ऑप्शन नंबर डी, ऑल्दो ये दोनों पॉजिटिव हैं, बट अबोमिनेबल होता है ऐसा इंसान जिसको आप डिसलाइक करेंगे, और क्यों डिसलाइक करेंगे, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता या उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आप उससे रिपल्स करेंगे, आप उससे दूर रहेंगे, सो देयरफॉर आप उसको ऑप्शन नंबर डी से ही इक्वेट कर पाएंगे एंटोनिम्स में, अट्रैक्टिव यानी कि आप उसके पास जाना चाहेंगे या वो अपने पास आपको बुलाएगा। तो यही थे हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया, बहुत मजा आया आपको? बिल्कुल मैम, बहुत नॉलेज भी बढ़ी, एंड आई होप आपके साथ भी सेम हुआ होगा, आप लोगों को भी मजा आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम दोनों में से जीता कौन है, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे उन सब का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, सब सेशंस हमारे साथ चलेंगे। तो अगर कोई नया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये क्वेश्चंस, तो हम आपको बता देते हैं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीडीएस के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ये मत सोचना कि वन लाइनर है तो ऐसे नहीं आएंगे, आप लोग सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय हिंद।